लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बंगला फंगला हम लोग आपको दिखता है कि बंगला उंगला में रहने वाले लोग हैं। डिटेल में पैसे कहां से आएंगे, कैसे लगेंगे, ये आपको बता पाएंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। एक बंगला बने न्यारा, रहे कुनबा जिसमें सारा, सोने का बंगला चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा अति सुंदर प्यारा प्यारा, यह गीत तो आपने सुना ही होगा। कुछ इसी तर्ज पर झारखंड सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट में अपने मंत्रियों के लिए स्मार्ट सिटी परिसर में अत्याधुनिक सुविधा से लैस बंगला बनाने का निर्णय लिया है। लगभग 70 करोड़ रुपए में 11 कैबिनेट मंत्रियों के लिए बंगले बनाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान में चिन्हित किए गए प्लॉट नंबर 1 के 10 एकड़ जमीन पर मंत्रियों के लिए बंगले बनेंगे। 11 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री ने समीक्षक बैठक में स्मार्ट सिटी क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट पार्क के लिए चिन्हित जमीन पर मंत्रियों के लिए बंगला बनाने का निर्णय लिया और निर्देश दिया था। वहीं अब मंत्रियों का बंगला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। कैबिनेट में मंत्रियों के लिए स्मार्ट सिटी में बन रहे बंगले के संबंध में जब मंत्रियों से सवाल पूछा गया तो सभी मंत्री सवाल से बचते नजर आए। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सभी मंत्रियों का घर एक जगह नहीं था, इसलिए स्मार्ट सिटी में बंगला बनाया जा रहा है। राज्य की खस्ता वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए वित्त मंत्री से जब पूछा गया कि क्या सरकार की वित्त स्थिति इतनी सक्षम है कि इसका खर्च उठा सकती है, इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि कैबिनेट से पारित तो हो गया है, अब इसका फंड कहां से आएगा यह विभागीय सचिव बताएंगे। वहीं चुनाव के समय आम लोगों के लिए 3 कमरा का आवास देने का वादा किया गया था, वह कब तक पूरा होगा, इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा हम लोगों ने तो यह वादा नहीं किया था, मुख्यमंत्री ने वादा किया था, इस पर वही जवाब देंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्मार्ट सिटी में बंगला बन रहा है, इससे उनके जैसे नेताओं को कोई चाहत नहीं है, छोटे स्तर से राजनीति करते हुए मंत्री बने हैं, बड़े बड़े बंगला में रहने की कोई चाहत नहीं है, हम लोग जनता की सेवा के लिए तत्पर रहने वाले लोग हैं। 11 क्वार्टर बनेंगे स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के लिए, यह निर्णय है। सरकार उसमें कितना खर्च करेगी सर? अभी तो पूछ लीजिएगा, इस पर्सन जो होंगे वो बता पाएंगे डिटेल में, वो बताएंगे जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं कैबिनेट कोऑर्डिनेशन के, वो बता पाएंगे डिटेल में। अभी ये सर डिटेल में थोड़े यार उसमें थोड़े दिखा रहता है। ये चीज क्या मंत्रियों को दिक्कत हो रहा था जो पुराना जो उनको बंगला अलॉट होता है, या क्या सोचकर सरकार स्मार्ट सिटी में स्कैटर्ड था, एक जगह नहीं थे, अलग अलग जगह में थे, तो नज़दीक में विधानसभा के नज़दीक में ही लाया जा रहा है, मेरे ख्याल से उद्देश्य यही है। सर सरकार के वित्तीय हालात इस तरीके के हैं कि आप एक्सपेंड कर सके इतने पैसे बंगले को लेकर, क्योंकि आप ही कह रहे थे कि कोरोना में हालात बहुत खराब हुए। हमने कहा ना कि डिटेल में पैसे कहां से आएंगे, कैसे लगेंगे, ये आपको बता पाएंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, तो उनसे पूछिए। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि पैसे नहीं हैं, अभी कहाँ कह रहे हैं कि पैसे हैं। स्वीकृति हो गया है, बनना कहाँ शुरू हुआ है? अरे वो तो सोचिए सर, एक बात है, लेकिन जनता भी इंतजार कर रहा है 3 कमरा वाला घर का, जो आप लोग चुनाव में कहे थे कि हम बीजेपी की तरह 2 कमरा नहीं देंगे, 3 कमरा वाला घर होगा, तो वो कब से मिलना शुरू हो जाएगा? हम लोहरदगा में तो कोई नहीं बोला था, पूछा था ना, हम मुख्यमंत्री जी हर जगह कह रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। नहीं नहीं थोड़े हैं, इसको पसंद थोड़े हैं, चलिए। अरे भाई बंगला देखिए, हम लोग जो हैं, हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बंगला फंगला हम लोग आपको दिखता है कि बंगला उंगला में रहने वाले लोग हैं, हम लोग जो हैं गरीब गुरबत लोगों की हिमायत करने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं, और चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं मैं चढ़ूँ देवों के भाग्य पर इठलाऊँ, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो हम लोग की ये आशा उम्मीद नहीं है कि हमको बड़ा बंगला मिले, गाड़ी मिले, शोहरत मिले, दौलत मिले, हम तो माँ भारती के वो संतान हैं कि जो माँ भारती की सेवा के लिए रात 12 बजे भी हम कोविड-19 के ICU में घुसने का काम करते हैं।